हीरा मंडी। अपनी फिल्म्स के क्लासिक सेट से लेकर के फिल्म्स में चुनी गई यूनिक कास्ट तक के लिए फेमस संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। साथ ही वेब सीरीज ने रिलीज होने के मात्र 2 हफ्तों के अंदर ही कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। क्या हैं ये रिकॉर्ड्स और कितनी धूम मचा पाई है डायरेक्टर की हीरा मंडी, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, नेटफ्लिक्स और संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी द डायमंड बाजार अपने लॉन्च के पहले हफ्ते में ही सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन सीरीज बन गई है। दुनिया भर में संजय लीला भंसाली की ओटीटी डेब्यू सीरीज ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं क्रिटिक्स और लोगों से इस सीरीज को मिले जुले रिव्यू मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ओटीटी पर सीरीज देखी जाए तो इस वक्त पूरी तरह से छाई हुई है। इसी बीच अब नेटफ्लिक्स ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 नॉन इंग्लिश कंटेंट सीरीज और फिल्मों की लिस्ट निकाली है, जिसमें हीरा मंडी का नाम भी शामिल है। हीरा मंडी ने ओटीटी पर तोड़ा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड। नेटफ्लिक्स की इस लिस्ट में हीरा मंडी दूसरे नंबर पर है। इस सीरीज के पहले ही हफ्ते में इसे 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख बार देखा जा चुका है। दर्शकों ने इस शो को देखने के लिए 33 मिलियन यानी कि 3.3 करोड़ घंटे का समय नेटफ्लिक्स पर बिताया है। इस सीरीज ने अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ व्यूज हासिल किए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हीरा मंडी को आने वाले दिनों में इसके व्यूज को लेकर जबरदस्त फायदा मिल सकता है। कपिल शर्मा के शो को दी मात। हीरा मंडी ने व्यूअरशिप के मामले में कपिल शर्मा के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को भी पीछे छोड़ दिया है। कपिल का शो अप्रैल के पहले हफ्ते में 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख व्यूज के साथ तीसरे नंबर पर था। वहीं छठे हफ्ते में इस शो की व्यूअरशिप गिरकर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पहुंच गई। वहीं हीरा मंडी 43 देशों में स्ट्रीम की गई है। तो देखिए, ये तो हुई रिकॉर्ड्स की बात, लेकिन अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपका हीरा मंडी को लेकर क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।